नमस्कार, मैं भाषा और इस समय खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं मनोज झा जी के यहाँ, जो राज्यसभा सांसद हैं और अपने तीखे भाषणों के लिए अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन इनके जो विचार हैं, भाषण हैं, राज्यसभा में बाहर हर जगह बहुत सुने जाते हैं, उसकी पहुंच और पूछ बहुत दूर तक होती है। और ख़ास तौर से एक ऐसे समय जिस समय मोदी सरकार ने देश की संसद को, संसद की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसे ताक पे रखा हुआ है, भीतर और बाहर लड़ाई चल रही है, ऐसे में इस लड़ाई का मोर्चा संभाले एक अहम सांसद के तौर पे मनोज झा जी हमारे सामने रहते हैं। मनोज झा जी नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जो आप लोगों की लड़ाई चल रही थी, जिस तरह से मोदी सरकार ने सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को निशाने पे लिया और बहुत ही अभूतपूर्व कहानी गढ़ी कि पिछले सदन में जो चीज़ें हुई थी उसके लिए इस सदन में उन्हें दोषी बताया गया, उनका निलंबन किया गया, तो ये जो वाकया है इसके खिलाफ जिस तरह से आप लोग लड़ रहे थे, करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपको क्या लगता है कि वजह क्या पड़ी? देखिए, मैं समझता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अबाध विमर्श, निर्बाध विमर्श। ये वाकया 10-11 अगस्त का था, मानसून सत्र का। इंश्योरेंस पे सरकार बिल पास कर रही थी, बहुत विरोध था पूरे देश में, और संसद में ऐसा नहीं हो सकता, जब देश में विरोध हो, आक्रोश हो, तो संसद ऑर्केस्ट्रा टीम बन जाए सत्ता प्रतिष्ठान की। मुझे दुख इस बात का है कि निलंबन में अक्सर जब आप किसी घटना को देखेंगे तो साक्ष्य के लिए आपको 360 डिग्री एविडेंस देखना होगा, तो उस दृष्टिकोण से साक्ष्य को देखा गया एक संकीर्ण दायरे में, और मैं समझता हूं कि इसके बेहतर रास्ते निकल सकते थे। नियमावली के हिसाब से भी ये उचित नहीं है, क्योंकि 256 क्लॉज 2 के को अगर कोई भी राज्यसभा एट वर्क किताब, जो बहुत अच्छी किताब है, या जो हमारी लाल किताब है जिसमें 256(2) का हवाला है, वो नियम के विरुद्ध भी है, तर्क संगत नहीं है, और सबसे बड़ी बात न्याय संगत नहीं है। इसलिए हमने विरोध किया, विरोध कई दिनों तक चला, अभी भी विरोध है। सरकार की जिम्मेदारी है सदन चलाना, तो सवाल ये उठता है कि इस सदन में जहां पे बहुत अहम चीजों पे फैसला था, क्योंकि मोदी जी ने सदन से पहले ही बिल वापस लिए, 3 कृषि कानून, ये जो गतिविधि है, मतलब ये जो एक्शन है सरकार का, ये क्यों किया? क्या वो चाहते थे कि ये सांसद सदन में ना रहें? कुछ ऐसा खास इस सदन में होने जा रहा है? कई बिल हैं जो बहुत विवादित हैं, जिन पे दूसरे ढंग से चर्चा होनी चाहिए। मैं आपसे सरकार की मंशा को आप कैसे देखते हैं, क्यों किया? क्योंकि अकारण तो नहीं किया, देखिए तो सोची समझी रणनीति। बिल्कुल, मैं एक चीज स्पष्ट तौर पर कहूं कि हमारे संसदीय लोकतंत्र में विसंगतियां पहले भी थी, लेकिन मोदी जी की सरकार ने संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरत रवायतों को बिल्कुल खत्म करने का फैसला ले लिया। बल्कि मैं संसदीय लोकतंत्र छोड़िए, आप कैबिनेट, अक्सर कैबिनेट के मेंबर को पता नहीं होता, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन का मसला हो या किसान बिल आज आ रहा है और किसान बिल अचानक एक दिन वापस हो गया। इससे क्या होता है कि एक सामूहिकता जो हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पहचान थी, उस सामूहिकता का खत्म हो गया। ये मैं, मेरा, मुझको के इर्द गिर्द चल रहा है। अभी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें सदन में होने वाली थी, मसलन मैं बैंकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन का मामला है, देश में आक्रोश है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी शक है कि आपने एक झटके में 12 सांसदों को निलंबित करके एक तरह से आंकड़ा प्रबंधन का काम कर लिया, क्योंकि लोकसभा में आपकी मेजॉरिटी है, राज्यसभा में आपको जरूरत है। बावजूद इसके हम सरकार को आगाह करेंगे कि आपने कृषि बिल भी पास किए हम लोगों के विरोध के बावजूद, सिविल सोसाइटी के विरोध के बावजूद, वार्तालाप नहीं करके एकालाप करते रहे, अंततः क्या क्या नहीं कहा आपने, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, स्पॉन्सर्ड है, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा आंदोलन जीवी। अगर ये आंदोलन जीवी थे तो आंदोलन जीवियों ने आपको समझा दिया, आपको वापस लेना पड़ा अपना फैसला, और मैं समझता हूँ उसी दृष्टिकोण से मैं निलंबन को भी देख रहा हूँ, और अभी भी आग्रह करूँगा आपके माध्यम से हाथ जोड़ करके कि आप नई इमारत संसद की बनाइए, लेकिन संसदीय लोकतंत्र को संग्रहालय की विषय वस्तु मत बनाइए। तमाम जो फैसले रहे सरकार के, उसके खिलाफ एक बहुत तीखे आंदोलन देखे हमने,
चाहे वो नागरिकता संशोधन कानून का मसला हो या फिर अभी हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन, लेकिन ये जो सारे आंदोलन है जो बहुत अहम मुद्दों पर हैं, लोकतंत्र बचाने, नागरिकता बचाने, खेती बचाने पर, राजनीतिक दल इतने अहम मुद्दों पर सड़कों पर जाने से कतरा रहे हैं या बहुत वोकल नहीं दिखाई दे रहे। मान लीजिए देश बिक रहा है, सारी चीजें बेची जा रही है, लेकिन जो मूवमेंट है या तो वो यूनियन कर रही है, लाल झंडे की यूनियन है, बाकी और रंगों की यूनियन है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन देखिए वो वो मूवमेंट इस समय क्या राजनीतिक दलों को ये महसूस हो रहा है कि वो आंदोलन नहीं कर सकते या आंदोलन से दूर हो गए? नहीं, मैं नहीं मानता। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, बिहार में ही बेरोजगारी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कई मैसिव रैलियां की लगातार डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के पटना तक। आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि 2019 में जब दोबारा मोदी जी आए उसके बाद एक वर्ष तो लग जाता है किसी पॉलिटिकल नई एस्टेब्लिशमेंट को कि एक वर्ष का समय है उन्होंने दिया जाए। उसके बाद कोविड आया, कोविड में कई तरह की बंदिशें आई, कभी लॉकडाउन हो रहा है, कभी ये हो रहा है, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी एक तरह से इम्पैक्टेड हुई। लेकिन हाँ, एक नैसर्गिक स्वतः स्फूर्त आंदोलन करने की आवश्यकता है, मैं आपसे इत्तफाक रखता हूँ। ये भी आवश्यक है कि पॉलिटिक्स को सिर्फ इलेक्शन की विषय वस्तु ना बना दिया जाए। ये भी हम में से कई पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉब्लम है कि हम अपनी पॉलिटिक्स को लेकर के जागते हैं जब चुनाव तिथि की घोषणा हो जाती है। वो दरकिनार करते हुए 24 घंटे सातों दिन का जो एजिटेशनल फॉर्मेट ऑफ पॉलिटिक्स है वो लाना होगा। सरोकार बदलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप ये जो अंधबाजारवादी व्यवस्था है इस पर विराम कैसे लगे। महंगाई का आलम अब देख रहे हैं, बेरोजगारी अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे है। क्या इन पे चुनाव होंगे आपको लगता है? क्या वजह है कि चुनाव का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म बीजेपी ने डेवलप किया है और बहुत माहिर हैं इस मामले में, ये तो आप भी ज्यादा महसूस करते होंगे क्योंकि आप तो बहुत करीब से उनको देख रहे हैं संसद में, कि सब कुछ होने के बावजूद नोटबंदी हुई, सारे लोगों ने कहा कि अब तो बहुत मुश्किल है, जनता तबाह हो गई, लेकिन वो फिर वापस आ गए। कोरोना का इतना भयानक मिसमैनेजमेंट हुआ हमने देखा, लेकिन बिहार में फिर सत्ता में आ गए, यूपी में अभी जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, तो क्या ये जो मुद्दे हैं, पेट्रोल, डीजल, रसोई, बेरोजगारी, क्या ये चुनावी मुद्दे नहीं रह गए, ये पॉलिटिकल मुद्दे नहीं रह गए? नहीं, मैं आपको बताऊं, अगर आपने बिहार चुनाव कवर किया, बिहार चुनाव में हमारी पार्टी के पास संसाधन नहीं, सब जानते हैं, बड़ी मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष के लिए एक हेलीकॉप्टर अरेंज हो पाया, उधर 35 हेलीकॉप्टर थे, लेकिन उन्होंने एक लंबी लकीर खींच दी। तो बिहार के चुनाव में जब उन्होंने कह दिया दवाई, सिंचाई, रोजगार, पढ़ाई, कमाई, उसी के इर्द गिर्द बातचीत हुई, संसाधन की कमी रही और थोड़ा प्रशासनिक जो पूर्वाग्रह हैं और मैनेजमेंट है उसकी वजह से हम हारे। लेकिन आप देखिए वोट का फर्क कितना है दोनों में, इतना के बावजूद मात्र 12,000, सीट का फर्क कितना है 5 से 7 सीट। मेरा मानना है कि संभव है बीजेपी के नैरेटिव को चैलेंज करना, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, ये आपको लगातार करना होगा। अभी उत्तर प्रदेश देखिए, चूल्हें हिली हुई है, परेशान है। मैं सदन में भी देखता हूँ भाजपा के लोगों के चेहरे पे चिंता की किरणें हैं। असल में दिक्कत क्या है ना कि बीजेपी को भी ये अब समझना चाहिए कि ये काठ की हांडी हो गई है, हिंदू मुसलमान इंडिया पर। आपको लगता है कि काठ की हांडी है? मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, इसका नतीजा आप उत्तर प्रदेश में भी देखिएगा। बिहार तो लगभग देख लिया, तब उनको जब लगा कि ये सबसे नहीं हो रहा तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किया उन्होंने। वो तो हम लोग सब मानते हैं कि जनादेश पे शासनादेश हावी हुआ तो बिहार में एक लोकप्रिय सरकार नहीं बन पाई और वहाँ के बेरोजगारों में, युवाओं में कितनी हताशा है। तो वो हताशा बीजेपी को परेशान कर रही है, सिर्फ बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। नौकरी की बात होती है तो फिर अब कल इनके एक डिप्टी सीएम है जो आम कार्यक्रमों में उनको कुर्सी तक नहीं दी जाती है, स्टूल पर बिठा दिए जाते हैं, कष्ट होता है देख करके। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जालीदार टोपी वाले, मतलब मथुरा चलो, काशी चलो, कमाल की बात है। पार्टीशन 47 में हुआ, 52 में पहला चुनाव हम लड़ रहे थे इस देश में, पार्टीशन की विभीषिका थी, उधर पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बन रहा था, लेकिन हिंदुस्तान के मुद्दों में कभी यह हिंदू मुसलमान नहीं था, हम एक नए राष्ट्र के सपने के साथ आगे बढ़ रहे थे। गरीब थे
लेकिन सोच से धनी थे। अब क्या हो रहा है, उतने गरीब नहीं रहे लेकिन सोच से गरीब होते जा रहे हैं। गरीब क्या, मैं तो समझ रहा हूं कि हमारी काया छिन्न होती जा रही है सोच और विमर्श के स्तर पर। जी, ये जो चुनाव 5 राज्यों में होने वाला है जिसकी तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है, उसी क्रम में दिखाई देता है कि विपक्ष की एक बड़ी नेता ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो महाराष्ट्र जाती हैं, बाकी तमाम लोगों से मुलाकात करती हैं, विपक्ष के नेताओं से भी, और एक तरह का नया समीकरण कहती हैं कि भाई कांग्रेस के बिना विपक्ष जो है भाजपा को हराएगा, कांग्रेस की जरूरत नहीं है, अब कोई यूपीए नहीं होगा किसी भी तरह का। ये कैसे समीकरण आप देखते हैं, ठीक 5 राज्यों में जो चुनाव होने उससे पहले और 2024 की जो तैयारी करती वो दिखाई दे रही है उसमें? देखिए भाषा जी, एक चीज तो स्पष्ट मैं आपको कहूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी लगातार कह रहे हैं, बीते 2-3 महीनों से तो और पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि तकरीबन 200 सीटें हैं, तकरीबन 190, 200, 205, जहां कांग्रेस बीजेपी के समक्ष कांग्रेस है। अब कांग्रेस की अपनी अंदरूनी दिक्कतें अभी हैं, लेकिन वो दिक्कतें हर पार्टी के जीवन काल में आती हैं, खास करके अगर पार्टी 100 साल से पुरानी हो तो वो एजिंग का प्रोसेस होता है, कभी राइज होता है, कभी डिक्लाइन होता है, वो किसी भी डायनामिक एंटिटी में होगा। लेकिन हमारा मानना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा, नेता प्रतिपक्ष ने, कि आप कांग्रेस को हटा करके कोई संकल्पना विपक्ष की एकता की करेंगे तो उसमें एकता से पहले ही इतनी सारी दरार होगी कि मुश्किल हो जाएगा। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, लगातार हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि मोदी जी का विकल्प क्या हो। मोदी जी का विकल्प व्यक्ति में मत तलाशिए, सामूहिकता में तलाशिए, मुद्दों में तलाशिए। मोदी जी बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं कर पाए, हमारा क्या ब्लू प्रिंट है? मोदी जी ने किसानों के साथ ये किया, हमारा क्या ब्लू प्रिंट है? मोदी जी ने सामाजिक सौहार्द को निम्नतम सूचकांक पर पहुंचा दिया, हमारा क्या विकल्प है? मोदी जी ने नागरिकता संशोधन के माध्यम से महासागर वाले चरित्र वाले हिंदुस्तान को गदले तालाब में तब्दील करने की कोशिश की, हमारा क्या विकल्प है? इस तरह की चीज़ों पर वैकल्पिक कार्यक्रम होना चाहिए, ये हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए। और राजनीति को माफी के साथ कहूँ, ऐसी परिस्थिति में न उदारवादी चरित्र ना दे दें कि ये वाला शैम्पू चलेगा कि ये वाला शैम्पू। दिक्कत ये है कि हम और आप या देश का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भाई इसी तरह से चुनाव होने चाहिए, लेकिन जो हमें जमीन पे दिखाई दे रहा है वो तो एक व्यक्ति है ना। मान लीजिए अब सबसे बड़ा सवाल होता है मोदी नहीं तो कौन, वहां योगी नहीं तो कौन, तो ये जो व्यक्ति केंद्रित पूरी की पूरी भारतीय राजनीति हो गई है, ये तो वर्तमान का यथार्थ नहीं, है। नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता, अगर ये हो गई है तो इससे लड़ना भी हमारी राजनीति का हिस्सा होनी चाहिए। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इलेक्शन हराना ही सिर्फ अगर बीजेपी को उद्देश्य रहेगा, बीजेपी को हरा दें तो आप वैचारिकता में हारते रहेंगे, और वैचारिकता में जीतना ज्यादा जरूरी है। अब आइए कि मोदी नहीं तो कौन। 2004 में अटल जी का विकल्प कोई व्यक्ति नहीं था, किसी को पता था मनमोहन सिंह जी नेतृत्व करेंगे और 10 वर्षों तक किया। मेरा मानना है कि दोनों चीजें हैं, एक तो व्यापक वैकल्पिक विकल्प तैयार करें, दूसरा हर मुद्दे पे कमिटमेंट के साथ लोगों के समक्ष जाएं। उस राजनीति का तोड़ सामूहिकता में है और एक वैचारिकी के विकल्प में। हर राजनीतिक दल पर यह दबाव है कि अपने अहं को त्याग करके लोगों की सुने। एक बार आप 4 की तरह चुनाव लड़िए, ना सिर्फ सत्ता परिवर्तन करिए बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करिए, और वो संभव मुझे दिख रहा है। इन 5 राज्यों के जो चुनाव की तैयारी चल रही है उसमें इसकी कुछ आहट मिल रही है? मुझे आहट मिल रही है। मैं जैसे कहूं, पंजाब एक अच्छा संकेत दे रहा, उत्तराखंड भी दे रहा है, उत्तर प्रदेश में यकीन के साथ कहूं, मैं अखिलेश जी की जो भीड़ देख रहा हूं, बुंदेलखंड पारंपरिक रूप से सपा का बहुत स्ट्रांग बेल्ट नहीं था, या तो भाजपा का या बसपा का, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिस तरह की भीड़ बांदा में थी, फिर झांसी में है, तो वो सिर्फ भीड़ नहीं है, वो जिंदा लोग हैं और परेशान है। एक ये परिदृश्य जो आपको आशा दिखाई दे रही है, इसमें एक थोड़ा सा जो कठिन सवाल है वो ये दिखाई देता है कि वैचारिक तौर पे एजेंडा सेटिंग के लिहाज से जो दक्षिणपंथी विचारधारा है वो जीती हुई दिखाई देती है, क्योंकि चाहे कश्मीर का सवाल हो,
चाहे अनुच्छेद 370 को हटाने का सवाल हो, कश्मीर में हमारे मित्र खुर्रम परवेज को अंदर करने का सवाल हो। मतलब कश्मीर खास तौर से इसलिए मैं जिक्र कर रही हूँ क्योंकि वो एक टेस्ट केस है भारतीय लोकतंत्र के लिए। बिल्कुल। इन तमाम सवालों पे जो कि बहुत गहन सवाल हैं, और कश्मीरी दोस्त बोलते रहे थे कि ये हमारे साथ अब हो रहा है, आपके साथ धीरे धीरे शुरू होगा, जो कि पूरे देश में दिखाई दे रहा है, ये जो सारे सवाल हैं इस पे विपक्ष क्यों नहीं बोलता, या प्राइवेट मेंबर बिल टाइप ही या अपोजिशन टाइप? क्या आपको लगता है कि एक बड़े पैमाने पर जो राइट विंग सोच है वो भारतीय लोकतंत्र पे हावी हो गई है सभी विचारधाराओं पर? देखिए, डर भी लगता है कि भाई अयोध्या पे क्या बात नहीं, करें, मैं इसको, इस पे क्या बात करें। दो हिस्सों में मैं इसको बांटूंगा। जी। पहला आपने मुझसे पूछा है तो मैं अपने दल की ओर से कहूं, मैं आग्रह करूंगा 370 का मामला हो, कश्मीर के बरक्स आप एक बार मेरे पार्टी का पोजीशन जो पार्लियामेंट में था और कंसिस्टेंट, ऐसा नहीं कि बदलाव हमने उसमें कोई बदलाव किया। बीजेपी की जो राइट विंग सोच है उसको मैं नॉर्मलाइज होते हुए देख रहा हूं। अब राम मंदिर का मसला लीजिए, कोर्ट ने निर्णय किया मान लिया, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उस बैंडवैगन में सवार होकर के हम तीर्थ यात्रा करवाने लगे। क्या हो रहा है? थाली पर बात नहीं हो रही है, सरसों तेल पे बात नहीं हो रही है, रोजगार पे बात नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली हो सकता है बीजेपी को हरा दें, लेकिन वैचारिकी में आप हार गए। खुर्रम परवेज, मैंने स्वयं उस पर पोजीशन लिया, जानबूझ के कहा क्योंकि आपके ट्वीट भी मैंने देखे और 370 पे आपका भाषण मैंने सुना। खुर्रम परवेज क्यों नहीं हम बोल सकते? कश्मीर, मैंने सदन के अंदर कहा था, आपके माध्यम से कह रहा हूं, कोई भी सरकार हो दिल्ली में, जब तक आप कश्मीर को जमीन का टुकड़ा समझेंगे आप कश्मीर की आहट को नहीं भापेंगे। आप फोर्स लगा दीजिए कुछ, आप यहां से नॉर्मल बोलते रहिए, नॉर्मल आपके यहां बोलने से वहां घाटी में नॉर्मलिटी नहीं आती है। आपको उसके लिए सकारात्मक कदम लेने होंगे। आपने सकारात्मक कदम लिए एक भी नहीं। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मैंने सदन के अंदर भी कहा था, इसको अपना फिलिस्तीन मत बनाइए। अरे ये वही कश्मीर है जिसने पाकिस्तान को छोड़ के आपके साथ आने का निर्णय क्यों किया? क्योंकि एक विशाल हृदय वाले देश के साथ जा रहे हैं, एक नैरो सेक्टेरियन अप्रोच वाले मुल्क के साथ। आज हमने कहां हालात पहुंचा दिए। मेरा सिर्फ ये कहना कि मैं पॉलिटिकल पार्टी से भी आग्रह करूंगा कि जो कश्मीर में हो रहा, जो आपने आज कहा, वो एक तरह से जल परीक्षण है, टेस्ट, वाटर टेस्टिंग। कल को नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, और दूर जाइए, ये जो कॉ बेल्ट है वहां ये प्रयोग होगा। एक आखिरी सवाल, बतौर सांसद आप पढ़ाते हैं, बतौर भारतीय नागरिक हम सब और खास तौर से आप कैसे देख रहे हैं जो खतरा है लोकतंत्र पे, फासीवादी हिंदुत्व राष्ट्र का, वो कितना वाकई है? या लोग बोलते हैं कि पहले भी भारत ने देखा है, इतना ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हाउ यू फील जब आप पार्लियामेंट के अंदर हैं और जब आप पार्लियामेंट के बाहर हैं, ये खतरा आपको कैसे दिखाई देता है और आगे का रास्ता? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि खतरा नहीं है, खतरा बहुत है, खतरा बहुत है, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि उस वाले स्पैंगलर की एक थियोरी थी, राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन संभवतः, तो राइज एंड फॉल, तो एक तो एक आस्था उसमें है कि शायद जिसका राइज है उसके आगे कोई ऊपर जगह नहीं है, इट हैज टू डिक्लाइन। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस खतरे के बरक्स हमारा जो रिस्पॉन्स सिस्टम होना चाहिए था वो इनएडिक्वेट है, और मैं सिर्फ पॉलिटिकल क्लास को नहीं कहूँगा। कई महीनों तक, वर्षों तक हम ये सोचते रहे कि हम इसके जद में नहीं आएंगे, बाकियों को ये इम्पैक्ट करेगा, लेकिन वो जो एक टिपिकल नाजी फिलॉसफी है, फैसिस्ट फिलॉसफी है, कि व्हेन दे स्टार्ट देयर इज नो फुल स्टॉप, तो वो चीज़ हम सबको समझना होगा। और इस तरह की राजनीति में एकमात्र रेसिस्टेंस का टूल हमारे पास है, नेवर लूज होप एंड नेवर लूज योर फाइटिंग स्पिरिट। आप कहिएगा कि जर्मनी में कौन लड़ा उस दौर से, किसी पॉलिटिकल पार्टी का आप नाम नहीं ले पाइएगा। सिविल सोसाइटी लड़ी, म्यूजिशियन लड़े, डॉक्टर्स लड़े, हमें लड़ाई को उस स्केल पर ले जाना होगा। और मैं समझता हूँ कि वही जिनसे हम लड़ रहे हैं ना, उनके लिए भी उचित है, क्योंकि उस लड़ाई का मकसद यह है कि उनको भी प्यूरिफाई करना, उन्हें भी बेहतर इंसान बनाना, ताकि वो जो हिंदुस्तान की जो एक सहज
महासागर वाली वाला जो स्वरूप था वो उसमें गर्व कर सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सही कहा आपने मनोज जी। और मुझे आपको सुनते हुए याद आ रहा था किस तरह से रोमिला थापर ने री इमेजिनिंग इंडिया में जो कहा था कि यह दौर, इतिहास जो हमें सिखाता है, यह दौर भी खत्म होगा, यह शासन भी जाएगा, लेकिन अगर हम सोच लें कि हमारे बिना कुछ किए जाएगा तो शायद पूरी उम्र निकल जाएगी, 100 साल तक गुलामी में रहना पड़ेगा। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम खुद कुछ करें, और जो सत्ता को बदलने की कोशिश है, देश को बचाने की कोशिश है, इसमें अपना योगदान करें। न्यूज़क्लिक से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।